सबसे पहले एक हल्की सी रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा के जितना ऊपर जाते हुए ये वक्र रेखा खींचते हैं, उतना ही नीचे आते हुए। इन कोणों को हम गोल कर देते हैं। शेष बचे हुए हिस्सों को इरेज कर देते हैं। हल्का सा चित्र को गाढ़ा कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, इसका गला बनाते हैं। यहाँ हल्का सा बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसको दो रेखाओं से बना देते हैं हम। अब देखिए, जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे इसको हम चौड़ा करते जाते हैं। दोनों तरफ से बनाते हैं एक साथ, ताकि एक जैसा ही बने। अब देखिए, इसकी तली बनाते हैं, जो कि गर्दन की चौड़ाई से कम ही चौड़ी होगी। बहुत ऊंची भी नहीं रखेंगे इसको। अब हम इसमें हैंडल लगाते हैं। हैंडल की मोटाई दिखाने के लिए इसके पास में एक पतली सी रेखा और खींच देते हैं। इस रेखा का काम खत्म हो जाता है, इसको भी इरेज कर देते हैं। इस प्रकार देखिए, हमारा जग का चित्र तैयार हो गया है, जिसको एक बार हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए बच्चों, जग का चित्र तैयार हो जाता है। अब हम इसमें छाया प्रकाश दिखाते हैं। एक तरफ से मान लेते हैं लाइट पड़ रही है, तो दूसरी तरफ छाया दिखेगी। इसके लिए पेंसिल की नोक को किनारे की ओर करते हैं और थोड़ा दबा कर चलाते हैं। इस प्रकार देखिए, किनारे की ओर ज़्यादा काला कर देते हैं। जैसे जैसे हम बीच की ओर आएंगे, कालापन कम करते जाएंगे, अर्थात पेंसिल को कम दबाएंगे।
जैसे जैसे अंदर की ओर आ रहे हैं दबाव कम करते जा रहे हैं। जब इस तरफ से छाया पड़ रही बाहर की ओर तो अंदर की ओर छाया इस तरफ पड़ेगी, क्योंकि प्रकाश इधर से आ रहा तो यहाँ दाईं ओर, देखिए यहाँ अंदर बाईं ओर प्रकाश पड़ेगा तो इधर काला कर रहे हैं हम। नीचे की ओर कुछ ज्यादा ही काला, थोड़ी थोड़ी छाया इस तरफ से भी दिखा देते हैं। इस तरफ ज्यादा काला, इस तरफ कम काला, थोड़ा नीचे की ओर भी ज्यादा काला, क्योंकि यहां भी प्रकाश कम पड़ रहा है। हैंडल में भी थोड़ी थोड़ी छाया, इस प्रकार देखिए बच्चों जग का स्मृति चित्रण तैयार हो जाता है। और अधिक आकर्षक दिखने के लिए एक बार इसके किनारे को हम थोड़ा गहरा कर देंगे और भी अच्छा दिखने लगेगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।